तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने डेली मोशन पर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हो फ्रेंड, तो वहां पे आपकी वीडियो अपलोड नहीं होता है और वहां आपको शो होता है कि प्लीज़ स्लो डाउन अपलोडेड रीच लिमिट, यानी कह सकते हो कि आपने उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको लाइव बताता हूँ कि ऐसा इशू क्यों आता है। पहले मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि आखिरकार आता कैसे है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर होता क्या है, मैं सिंपली यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेली मोशन पर क्लिक कर, तो डेली मोशन पर सिंपली फ्रेंड मैं पहले ही वेबसाइट जो मेरे सामने ओपन होके आ रही है, मैं सिंपली उस पर क्लिक कर दूँगा। फ्रेंड, आपसे आपका आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा अगर आप लॉग इन हो गए तो। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इसलिए मुझसे मेरा आईडी और पासवर्ड नहीं पूछा गया। सिंपली मैं सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ ऑप्शन मुझे आएगा क्या, पार्टनर एचक्यू प्रोग्राम। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो अब मुझे यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, अपलोड वीडियो। सिंपली मैं इस पर टैप कर दूंगा और यहाँ लिखा हुआ क्या, सिलेक्ट वीडियो फाइल। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो अब आपको आपकी गैलरी में पहुँचा दिया जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर रिमूव एडमिन इन प्राइवेट इंस्टाग्राम, एक कोई वीडियो ले लेता हूँ। चलिए मैं यही वाली वीडियो को फ्रेंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो ये वीडियो जो है फ्रेंड यहाँ पे अपलोड होने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कह सकते हो यहाँ पे यू रीच्ड योर लिमिट, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्लीज़ स्लो डाउन। यहाँ पे सिंपल है, मैं अब मुझे ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, यानी कह सकते हो कि अब आप अपलोड कर ही नहीं सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल में कह सकते हैं तो क्यों आ रही है, अब मैं आपको इस वीडियो में आगे लाइव बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि आप जब भी डेली मोशन पर वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके सामने भी यहाँ पे डेली लिमिट रीच करके और वहाँ पूरा रेड रेड करके आपको वहाँ पे अलर्ट आ जा रहा है, तो आज की वीडियो फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। फ्रेंड, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, 90% लोग मेरे चैनल की वीडियो को देखते हैं लेकिन 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और फ्रेंड वो भी नहीं करते हैं। सपोर्ट कर लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड देखिए, अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, यानी कि हम जब भी डेली मोशन पर वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारे पास ये ग्लिच क्यों आता है, ये इशू क्यों आता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक वेबसाइट हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो फ्रेंड, उसकी अपनी एक अपलोडिंग लिमिट होती है। यानी कि अगर आपने वो लिमिट को क्रॉस कर दिया फ्रेंड, तो आपको वहाँ पर 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए भाई, डेली मोशन पर अगर आप ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड कर चुके हो, आपने मान लीजिए अपलोड कर दिया, 10 वीडियो को आपने सिलेक्ट करके वहाँ पे अपलोडिंग के लिए लगा दिया, लेकिन हुआ क्या है, ऐसे में आपकी लाइट चली गई, आपका वाईफाई बंद हो गया, आपका नेट खत्म हो गया फ्रेंड, तो उसके बाद आप अपलोड चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, डजेंट मैटर, आप सिलेक्ट कर चुके हो और आप रन करवा चुके हो अपलोडिंग के लिए, बस आपकी अपलोड वहाँ वीडियो नहीं हुई है, तब फ्रेंड आपको करना क्या पड़ेगा, 24 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अभी 5 बजे वीडियो को अपलोड कर रहे थे, तो आपको कल 5 बजे के बाद ही आपको आपकी वीडियो अपलोड करनी है, तब जाके आपकी वीडियो वहां अपलोड हो पाएगी। क्योंकि मेरा जाना माना एक्सपीरियंस है फ्रेंड, और आपके यहाँ पे परेशान नहीं होना भाई, आपका डेली मोशन प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक नहीं की है, आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम जो है 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।